से मैंने अभी तक 16 एग्जाम फाइट किए, ठीक है, 16 एग्जाम निकाले हैं, 16 एग्जाम निकाले हैं, 16 एग्जाम में 11 आपका सीजी का एग्जाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। दो बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकेंड रैंक, 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन फिफ्थ रैंक आया था रिटर्न एग्जाम में, सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट फिफ्थ रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो है, मेरा जो अनुभव कहता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और ये वीडियो ये जानकारी देने के लिए है कि नई ऑफलाइन क्लासेस बैच स्टार्ट हो रही है 1 मार्च से, ठीक है। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है, एक मार्च से। टाइमिंग क्या रहेगी? 8:30 से 11:30, थोड़ा फ्लक्चुएशन इसमें हो सकता है, कम ज़्यादा, कभी हो सकता है क्लासेस पहले स्टार्ट हो जाए, कभी हो सकता है क्लासेस थोड़ी लेट से चले जाए, है ना, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। एड्रेस कहाँ है? सिरसा गेट बिलाई 3। जिसको नहीं मालूम कौन से ज़िले में है, तो दुर्ग ज़िले में ऑफलाइन क्लासेस। ये ऑनलाइन वीडियो डालने का पर्पस ये है, बहुत सारे बच्चे बाहर से आके पढ़ना चाहते हैं ना, तो उनके लिए वीडियो है। और यहाँ जितने भी स्ट्रेंथ हैं, लगभग 100 रजिस्टर्ड बच्चे हैं, 100 रजिस्टर्ड बच्चे में 30-40 बच्चे तो बाहर के हैं, ठीक है। तो आप भी यहाँ रुक के रह सकते हो। रुकने की व्यवस्था देखिए, हर चीज़ों को मैं अरेंज नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेड जो मेरे पास जानकारी रहती है, जो रूम खाली है, जो टिफ़िन सेंटर अवेलेबल है, तो वो मैं दिला सकता हूँ। तो शुरू के जो 15 बच्चे हैं ना, उनके लिए अवेलेबल हो जाएगा, बाकी उसके बाद के बच्चों को आपको खुद को यहाँ आके ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है क्लासेस, है ना, तो चाहे गर्ल्स हों, चाहे बॉयज़ हों, मेल हो या फीमेल हो, तो उनके लिए रूम अवेलेबल करा दिया जाएगा। मैं एक नंबर दे दूंगा, उस नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके अब बात कर सकते हो, रूम अपना देख सकते हो, ठीक है। क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एड्रेस मैंने बता दिया, सिरसेकेट बिलाई 3 दुर्ग जिले की। सर क्या चीज़ की क्लासेस है वो भी बता दो। तो ये जो क्लासेस है वो सीजी व्यापम की रहेगी, प्लस सीजीपीएससी प्री बीसी में कवर हो जाएगा, सीजीपीएससी प्री, क्योंकि पूरा सिलेबस मिलता जुलता रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो सीजी व्यापम और सीजीपीएससी प्री, तो सर क्या हम एसएससी रेलवे की तैयारी करेंगे तो वो कवर नहीं होगा? हो जाएगा। इसका सिलेबस इस तरीके से है कि आपका एसएससी और रेलवे का भी एग्जाम कवर हो जाता है। मैंने एसएससी रेलवे के भी एग्जाम निकाले हुए हैं, ठीक है। रेलवे भी एनटीपीसी थे, लेवल 6 को छोड़ के जितने भी लेवल है सभी एग्जाम मैंने क्लियर कर लिए। एसएससी एमटीएस ये सीएचएसएल ये सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं अलग से एसएससी रेलवे के लिए नहीं पढ़ाऊँ, मैंने तैयारी की थी व्यापम की, ठीक है, तो उसके चलते बाकी एग्जाम की भी तैयारी हो गई। तो ये आपका एसएससी रेलवे भी कवर कर देगा, मतलब जितने भी सिंगल सीट एग्जाम है ना, वो सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। सर आप ही का क्लास क्यों ज्वाइन किए? तो देखिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि एग्जाम निकालना भी एक कला है, एक आर्ट है, अपने आप में एग्जाम निकालना आर्ट है। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉलेज वाले व्यक्ति भरे पड़े हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन खुद का उनका जॉब नहीं लगा हुआ है, जो 4-5 साल 6 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो उतना मेहनत की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको लिमिटेड चीज़ पढ़ना है, है ना, लिमिटेड चीज़ पढ़ना, लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम भी जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो मेरा जो जितना भी अनुभव है, जितना मैंने एग्ज़ाम निकाला, एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, टॉप किया हुआ है, उसका पूरा निचोड़ मैं अपने क्लास में दे देता हूँ, ठीक है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो ये होता है कि भैया चीज़ें याद कैसे रखी जाए, ना, चीज़ें याद कैसे रखी जाए। तो पूरा मेमोरी, जो अगर कोई आप मेरे वीडियोज़ देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि हर चीज़ को मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स से याद कराया जाता है। ये आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है, एक ये आपका हथियार है, इसके अलावा आपके पास और कोई दूसरा हथियार नहीं है, ठीक है। इस हथियार का प्रॉपर अगर यूज़ करेंगे ना, तो बहुत आगे जा सकते हैं कम टाइम में, ठीक है। तो मेमोरी टेक्निक ट्रिक के माध्यम से यहाँ याद सारी चीज़ें याद कराई जाती है, क्लास में बैठा के आपको याद करा दिया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम निकालना भी आर्ट है, और उस आर्ट को सीखना तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। ऑनलाइन भी आप क्लास अटेंड कर सकते हो, बट ऑफलाइन होता यह है कि आप
यही जब प्रेशर डाला जाता है ना कि नहीं भाई याद करो, यही जब याद करा के तुरंत पूछा जाए चलो आप बताओ नहीं याद है चलो बाहर, तो उस प्रेशर में बच्चा करता है। ठीक है, तो अगर आपको जॉब लेना है तो आप मुझे 8 महीने दीजिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं बोलूंगा कि आप मुझे टाइम दो मैं आपको जॉब दूंगा। बस सिंपल सी बात है, आप मुझे टाइम दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो एग्जाम निकलवा के देना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आप ब्लाइंडली मेरे को फॉलो करेंगे ना तो नो डाउट आप यहाँ से जॉब लेके जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर जो बाहर से आ रहे हैं बच्चे उनका मैं विकास सर का नंबर दे देता हूँ, इनसे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं विकास जी का नंबर दे दे रहा हूँ, अगर आपको रूम से रिलेटेड बात करनी है, यहाँ रूम बस एक बार देख लीजिए, टिफिन वगैरह की व्यवस्था तो हो ही जाएगा। विकास सर का नंबर है 8827551273, 8827551273, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और देखिए रूम यहाँ पे जो मेरी जानकारी में है जितने अवेलेबल हैं, ठीक है 15 ही रूम अवेलेबल हैं, तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिला के, तो आप ये विकास सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको रूम अरेंज करवा देंगे। इसके बाद जो बच्चे होंगे तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है ना विकास सर देख पाएंगे। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है या आके पढ़ना है तो पहले से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। रूम अगर ढूंढना है तो आपको जो फीस एडवांस में पे करना पड़ेगा, फीस जो है वो 12,000 है, 12,000 फीस है, इसको दो इंस्टॉलमेंट में देना होता है। एक 6,000 आपको तुरंत पे करना होगा और 6,000 अगले महीने नेक्स्ट मंथ आप पे करना होगा। ठीक है, अगर आप एक साथ लमसम पेमेंट करते हैं तो 500 आपको छूट मिल जाएगी, मीन्स फीस जो है 11,500 ही आपको लगेगा। ठीक है, 11,500 बस फीस रहेगा। ठीक है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं है ना रूम, अगर बाहर से जो आ रहा है बच्चा, बाहर से जो आ रहा है बच्चा, उसको आपको 6,000 पे करके, 6,000 फीस का पे करके आपको एडवांस बुकिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपके लिए रूम अलॉट हो जाए, क्योंकि बाद में कोई बच्चा कैंसिल कर देता है तो किसी और बच्चे को हम रूम नहीं दिला पाते, वो नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो आप 6,000 पे करके एडमिशन के लिए भी बुकिंग करा सकते हो और आपके लिए रूम भी अवेलेबल हो जाएगा, रूम भी अरेंज करा दिया जाएगा। तो आप 1-2 दिन पहले आके सेटल हो जाए और 1 तारीख से आपकी क्लास अटेंड हो जाएगी। टाइमिंग क्या रहेगी क्लासेस की, मैंने बताया 8:30 से 11:30 आपकी क्लासेस रहेंगी। ये टाइम फ्लक्चुएट हो सकता है, हो सकता है ये थोड़ा कम हो और ये थोड़ा बढ़ जाए, टाइम थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई बाहर से आके बच्चा पढ़ना चाहता है, यहीं के बच्चे तो आते ही हैं बट ज़्यादातर बच्चे बाहर से हुए क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन कई सारे बच्चे जानते हैं तो वो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो 1 मार्च से नहीं बैच चालू हो रहे हैं, तो आप देर मत कीजिए। बस आपको एक डिटर्मिनेशन के साथ आना है, एक डिसिप्लिन लेके आना है कि भैया मुझे एक जॉब चाहिए, बस आप में वो डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो तैयार करके मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आपके पास एक जॉब जरूर, अगर आप एक डिसिप्लिन बच्चे हैं तो, आप होशियार हैं, गते हैं, आपके कॉलेज में 80-90% आए हैं, 40-50% आए हैं, फेल हो कि पास हुए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप बस डिसिप्लिन लेके आइए, डिटर्मिनेशन के साथ आइए, आपको जॉब दिलाने की गारंटी मेरी रहेगी। कोर्स 8 महीने का है, 8 महीने का कोर्स रहेगा, 8 महीने में सब कवर हो जाएगा और 4 महीने आपको रिविजन के लिए मिल जाएंगे, 4 महीने आप रिवाइज करने के लिए और रुक सकते हो, पढ़ सकते हो, मतलब 12 महीने आप यहाँ बिता सकते हो। फीस मैंने बताया 12,000, दो इंस्टॉलमेंट पे करना है 6,000, 6,000 के। वो सिर्फ जो फीस है वो ऑफलाइन क्लास की फीस है ना, ऑफलाइन क्लास की फीस है। अगर आप ऑनलाइन भी क्लास यहाँ आके ले सकते हो तो ऑफलाइन बच्चे के लिए 50% चार्जेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर 4,000-5,000 का कोई कोर्स है ऑनलाइन का तो आपको 50% ही देना पड़ेगा, मतलब 2,500 में आपको वो कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। बट जो 12,000 फीस की मैंने बात की वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑफलाइन क्लासेस की फीस है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो मैंने विकास सर का नंबर दे दिया है, वो रूम अरेंज करके दे देंगे अगर कोई बाहर से रहना चाह रहा है तो। और लेकिन मैंने बताया सभी चीज़ को आपको एडवांस पे करके बुक करना होगा, अगर कोई रूम आप देखना चाह रहे हो, अगर आप एडवांस पे नहीं किए हो, अगर कोई दूसरा बच्चा कॉन्टेक्ट करता है तो उसको अलॉट कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है केसेस, बच्चा हाँ आऊँगा बोल देता है और उसके चलते हम दूसरे बच्चों को अलॉट नहीं करते हैं, बाद में वो बच्चा नहीं आता तो दूसरा बच्चा भी कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मेरा नंबर 8770123687, ये मेरा नंबर है। ठीक है, और विकास सर का नंबर तो मैंने बता ही दिया था, तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, सकते हैं मैं तुरंत कॉल ना उठा पाऊँ या थोड़ा टाइम लग जाए, तो विकास सर का आपके पास नंबर है ही। ठीक है, कोई अगर अर्जेंट कोई बात करना हो तो मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।